तो अगर आपको एसएचएम टॉपिक से डर लगता है, अगर आपका एसएचएम टॉपिक वीक है, तो दिस वीडियो इज योर सॉल्यूशन। मैं इसको छोटे छोटे पार्ट में एसएचएम पूरा कंप्लीटली एक्सप्लेन करूंगा। हेलो बच्चों, तो आज हम नया टॉपिक लेके आ गए जो कि है ऑसिलेशंस, या जिसको आप जानते हो नाम से SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो अभी मैं एक छोटी सी बात आपसे पहले डिस्कस कर लूं कि बच्चे इस टाइम बहुत परेशान है, एग्जाम आने वाला है, कैसे होगा, इतना बड़ा सिलेबस, 20 चैप्टर, 30 चैप्टर, इतने सब्जेक्ट, कैसे करेंगे इतना ज्यादा। तो उसका सोल्यूशन बहुत छोटा सा और बहुत आसान सा है प्यारे बच्चों, और वो है वन स्टेप एट अ टाइम। एक बार में आपको एक ही स्टेप लेना है। हम लोग क्या होता है ना, एक स्टेप की जगह हम लोग सोचते हैं इसके बाद ये, उसके बाद वो, उसके बाद वो, और उस चक्कर में पहले काम को ही नहीं कर पाते, डर के मारे कि इसके बाद ये टफ हो जाएगा, उसके बाद वो टफ हो जाएगा, फिर वो चीज कैसे होगी, वहां पे ये कंडीशन साथ में लगनी चाहिए, उस टाइम मैं जग पाऊंगा, कि इतना सोच लेते हैं आगे की प्लानिंग। अपना वन स्टेप एट अ टाइम एग्जीक्यूशन, पता है बहुत इंपॉर्टेंट है। जो चीज सोचा उसको एग्जीक्यूट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और मोस्ट ऑफ अस एग्जीक्यूट ही नहीं करते, डर के मारे किसके बाद ये होगा, उसके बाद ये, उसके बाद ये, प्रिडिक्ट करने लगते हैं। तो ये नहीं करना है, आपका जो भी प्लान है उसकी एक एक स्टेप लेके एग्जीक्यूट करो। सीधा मत सोचो कि मेरा 11 तारीख को एग्जाम है, तब तक ये हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, मैं वो कर लूंगा उस दिन वो। आज क्या कर रहे हो, आज काम कर रहे हो कि सोच रहे हो? तो ये इंपॉर्टेंट है, वन स्टेप एट अ टाइम। बड़ी सी बड़ी प्रॉब्लम हो उसको छोटे छोटे में तोड़ो और एक एक स्टेप लेते जाओ। जब एक स्टेप लोगे ना, अपने आप अगली स्टेप का रास्ता दिखने लगेगा कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। पहले से प्लानिंग करके नहीं हो सकता। तो इसी बात के साथ आज स्टार्ट करने जा रहे हैं नया चैप्टर, सिंपल हार्मोनिक मोशन, जो कि किताब में ऑसिलेशंस नाम से दिया हुआ है। प्यारे बच्चों, बात यह आती है कि क्या है सर एसएचएम? कोई नई चीज नहीं है। जैसे आपने स्प्रिंग का मोशन पढ़ा था, स्प्रिंग में ब्लॉक लगा है, उसको खींच के छोड़ा, टे 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 टे, वही एसएचएम है। ऐसे ब्लॉक को पढ़ खींचा, ये एसएचएम है। मतलब कोई नया मोशन नहीं है। काइनेमेटिक्स में जितने मोशन पढ़े हैं उसी में से एक मोशन है एसएचएम। अच्छा ये बताओ, स्प्रिंग पे जो फोर्स लगती थी उसकी इक्वेशन क्या थी? एफ इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स। वही इक्वेशन है सिंपल हार्मोनिक मोशन की। यानी उसी मोशन को हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। और सिर्फ स्प्रिंग ही ये एसएचएम नहीं करता, बहुत सी अलग अलग जगह एसएचएम हमें देखने को मिलेगा, और इसीलिए इसका एक नया चैप्टर बना दिया एसएचएम। यानी यहां से आगे आप वेव्स, जितनी भी वेव्स पढ़ोगे क्लास 11th में, क्लास 12th में भी आपको वेव्स पढ़नी है, वेव ऑप्टिक्स है आप में, है ना? फिर आपको अल्टरनेटिंग करंट पढ़ना है, वहां भी वेव्स हैं। तो इसके बाद जहां भी आप वेव पढ़ोगे, वेव की इक्वेशन, उस वेव के अंदर बहुत ढेर सारे एसएचएम होते हैं, उस वेव के अंदर बहुत ढेर सारे एसएचएम होते हैं। तो ये बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है आगे की वेव समझने के लिए। क्लियर है? अब ये मत कहना कि एसएचएम वेव होता है। कई लोग का एक कंसेप्ट ये गलत होता है कि एसएचएम इज वेव। नो नो नो, सबसे पहला कॉपी में सबसे पहली लाइन, एसएचएम इज नॉट अ वेव, है ना? कई लोग एसएचएम का ये वाला ग्राफ देख के आते हैं, कहते हैं एसएचएम वेव है। नहीं नहीं नहीं, एसएचएम वेव नहीं है, एसएचएम एक सिंपल सा मोशन है, एक स्पेशल तरह का मोशन है। तो प्यारे बच्चों, आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि भाई पीरियोडिक चीजें क्या होती हैं और ऑसिलेटरी चीजें क्या होती हैं, क्या उनके बीच में कोई डिफरेंस है? ऑसिलेटरी मोशन क्या सारे के सारे सिंपल हार्मोनिक मोशन कहला सकते हैं, नहीं कहला सकते, ये भी देखेंगे। इंट्रोडक्शन देखेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन को, कि क्या होता है, कैसे दिखेगा। फिर देखेंगे हाउ टू फाइंड इक्वेशन फॉर एसएचएम, एसएचएम की एक इक्वेशन बनती है, और फिर उससे रिलेटेड कुछ बहुत ही खूबसूरत न्यूमेरिकल करेंगे, और लास्ट में जाते जाते जेई मेंस 2014 में आया हुआ इसका न्यूमेरिकल करेंगे। तो अगर आपको एसएचएम टॉपिक से डर लगता है, अगर आपका एसएचएम टॉपिक वीक है, तो दिस वीडियो इज योर सॉल्यूशन।
मैं इसको छोटे छोटे पार्ट में सच में पूरा कंप्लीटली एक्सप्लेन करूंगा। तो मेरा नाम है अलख पांडे, हमारा आपका खूबसूरत सा चैनल फिजिक्स वाला, और शुरू करने जा रहे हैं। बोल भाई क्या? सिंपल हार्मोनिक और मोशन, सिंपल हार्मोनिक और मोशन समझाएंगे। सब कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कॉपी और पेन को हम उठाएंगे और नोट्स को हम बनाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। तो SHM समझने के लिए सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि ये पीरियोडिक मोशंस क्या होते हैं। व्हाट इज पीरियोडिक मोशन? पहले बच्चों, कोई भी चीज जो रेगुलर इंटरवल में खुद को रिपीट करे वो पीरियोडिक कहलाती है। रेगुलर इंटरवल मतलब फिक्स्ड इंटरवल में, है ना, एक डिफाइंड इंटरवल बाद खुद को रिपीट करे, उस चीज को हम पीरियोडिक बोलते हैं। जैसे हर रात को आपका टेंशन लेना पीरियोडिक है, रात के 11 बजते हैं टेंशन स्टार्ट हो जाती है, और सुबह आते आते फिर वही है, मस्ती मजाक चालू हो जाता है, फिर रात में फिर टेंशन आ गई, मतलब वो एक पीरियोडिक चीज है, है ना। जैसे बहुत सी चीजें पीरियोडिक है, जैसे रोज आपका स्कूल 8 बजे ही स्टार्ट होता है, तो ये पीरियोडिक है, रोज 8 बजे स्टार्ट होगा, आफ्टर फिक्स्ड इंटरवल वो चीज रिपीट करे खुद को, उसको हम पीरियोडिक बोलते हैं। तो ये तो बहुत जनरल बातें हो गई, जरा ग्राफ आप थोड़ा देखते हैं, थोड़ा और डिटेल में चलते हैं। जैसे मान लो, अब एनसीईआरटी का एग्जांपल ले रहा हूं मैं, एनसीईआरटी कैसे समझाती है पीरियोडिक को, एनसीईआरटी हमको ऐसे समझाती है, मान लो हमारे पास एक इंसेक्ट है, ठीक है, कीड़ा है ना, हमारे पास एक कीड़ा है, वो कीड़ा बार बार दीवार पे चढ़ता है, फिर नीचे गिरता है, फिर चढ़ता है, फिर नीचे गिरता है, तो वो कहते हैं ये चीज पीरियोडिक है। देखें जरा, यहां बना रहा हूं कीड़े की हाइट वर्सेस टाइम का ग्राफ, तो जीरो टाइम पे कीड़ा जमीन पे है, थोड़े टाइम बाद थोड़ा ऊपर, थोड़ा टाइम बाद थोड़ा और ऊपर, थोड़ा टाइम बाद थोड़ा ऊपर, ऐसे करके ऊपर पहुंचा, सीधे सीधे चढ़ रहा है, मतलब कुछ सेकंड बाद इतनी हाइट पे है, कुछ सेकंड बाद इतनी हाइट पे, कुछ सेकंड बाद इतनी हाइट पे, इसके बाद ये नीचे गिरना स्टार्ट किया, तो कुछ सेकंड बाद नीचे यहां पहुंचा, फिर कुछ सेकंड बाद और नीचे यहां पहुंचा, फिर कुछ सेकंड बाद यहां पहुंच गया, ऐसे, और यही ग्राफ इसका रिपीट होता गया, यही मोशन इसका रिपीट हो गया। कीड़ा ऐसे ऐसे नहीं चल रहा बच्चों, ये तो हाइट है ना, देखो इस टाइम पे इसकी हाइट ये है, इस टाइम पे इसकी हाइट ये है, इस टाइम पे हाइट ये, समझ में आ? तो ये जो मोशन है कीड़े का ऊपर चढ़ना और नीचे गिरना, ये पीरियोडिक है। अगर इसकी इक्वेशन लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो H इज इक्वल्स टू UT प्लस हाफ GT स्क्वायर। अब हाफ GT स्क्वायर होगा और माइनस हाफ GT स्क्वायर भी होगा डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन में, तो समझ रहे हो ना, जब ऊपर चढ़ेगा माइनस हाफ GT स्क्वायर, जब नीचे उतरेगा तो प्लस हाफ GT स्क्वायर, वगैरह वगैरह। यहां तक क्लियर है? अच्छा, जैसे इसी तरह से दूसरा पीरियोडिक मोशन एनसीईआरटी हमको बताती है, ये क्या था, इंसेक्ट क्लाइंबिंग अ वॉल एंड फॉलिंग डाउन। इसी तरह से दूसरा पीरियोडिक मोशन मैं लेता हूं, जैसे मान लो कोई बच्चा है, है ना, बच्चा, और बच्चा सीढ़ी चढ़ रहा स्टेप्स, ठीक है, एक स्टेप ऊपर जाता है फिर वापस नीचे आ जाता है ना, स्टेप चढ़ता है और नीचे आता है, ठीक है, ठीक है, इसका भी वही हाल है ना, वो भी क्लाइम्स अप एंड डाउन, और फिक्स्ड इंटरवल पे ये काम कर रहा है वो, है ना, कि एक 3 सेकंड नीचे वाले जगह पे खड़ा रहता है, 3 सेकंड ऊपर वाली सीढ़ी पे खड़ा रहता है, फिर 3 सेकंड नीचे, फिर 3 सेकंड ऊपर। तो अगर उस बच्चे की हाइट वर्सेस टाइम का मैं ग्राफ बनाऊं, तो मान लो शुरू में वो नीचे खड़ा है, तो उसकी हाइट 0000000, इस टाइम पे मान लो वो ऊपर चला गया, फिर कुछ देर ऊपर खड़ा रहा, फिर नीचे आया, फिर उतनी ही देर नीचे रहा जितनी देर पिछली बार था, फिर ऊपर गया, फिर ऊपर खड़ा रहा, फिर ऊपर खड़ा था, फिर नीचे आया, फिर उतनी ही देर नीचे रहा जितनी देर पिछली बार था, फिर ऊपर गया, फिर ऊपर खड़ा रहा, फिर नीचे आया। तो ये मोशन भी बच्चों पीरियोडिक है। जरूरी नहीं कि सारे पीरियोडिक मोशन देखने में यह दिखे देख के आए थे यही पीरियोडिक, नहीं, ये भी पीरियोडिक है, ये भी पीरियोडिक है। पीरियोडिक मतलब वही चीज रिपीट हो आफ्टर फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब जितने टाइम में पहली बार ऊपर पूछा मान लो 2 सेकंड्स में, और उसके बाद मान लो नीचे आया फिर से 2 सेकंड्स में, फिर ऊपर पहुंचना चाहिए अगले 2 सेकंड, मतलब 2, 4, 6, 8, 10 12,
समझ रहे हो? ऐसे मोशन को पीरियोडिक कहते हैं कि फिक्स्ड इंटरवल बाद सेम चीज रिपीट करे खुद को, ये भी पीरियोडिक है, ये भी पीरियोडिक। मान लो टी सेकंड्स बाद यहां पहुंचा, मान लो थ्री टी बाद यहां पहुंचा, मतलब दो सेकंड ऊपर रहता है एक सेकंड नीचे, एक सेकंड नीचे दो सेकंड ऊपर, फिर से एक सेकंड नीचे दो सेकंड ऊपर। समझ में आ रहा? देखो टी टाइम तक नीचे था, टू टी टाइम तक ऊपर, टी टाइम तक नीचे है, टू टी टाइम ऊपर। जरूरी नहीं कि ऊपर नीचे बराबर हो, बस जो चीज हो रही है वो रेगुलर इंटरवल पर रिपीट हो। जैसे इसका ऊपर जाना, इसका ऊपर जाना हर बार नीचे आने के एक सेकंड बाद होता है, एक टी बाद नीचे आया, एक टी बाद ऊपर, नीचे आया एक टी बाद। ऐसे मोशन को हम पीरियोडिक मोशन कह सकते हैं, ऐसे मोशन को हम पीरियोडिक मोशन कह सकते हैं। जैसे सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ये रहा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। पार्टिकल अगर यहां से निकला है और फिर यहां पहुंचा है तो कितने टाइम में पहुंचता था? एक टाइम पीरियड टी में। फिर यहां से निकलेगा फिर पहुंचेगा कितने टाइम बाद? टू टी। फिर निकला फिर पहुंचा, अब शुरुआत से कितना टाइम हो गया है? थ्री टी। मतलब टी टी टाइम बाद पार्टिकल अपने मोशन को रिपीट कर रहा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्या यूसीएम एसएचएम का एग्जाम्पल है? नो नो। क्या यूसीएम पीरियोडिक मोशन का एग्जाम्पल है? यस, ये पीरियोडिक मोशन है, वही चीज बार बार रिपीट हो रही आफ्टर फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम। तो बच्चों ऐसे मोशन को हम पीरियोडिक कहते हैं। अब बात आती है कि ऑसिलेटरी मोशन क्या होते हैं। नोट्स बनाइए इसका, वेरी इंपॉर्टेंट, ये सारे मोशन पीरियोडिक। अब बात आती है ऑसिलेटरी मोशन क्या होते हैं। बच्चों जो पीरियोडिक मोशन, जो पीरियोडिक मोशन टू एंड फ्रो तरह के हो, जो पीरियोडिक मोशन टू एंड फ्रो तरह के हो, उनको ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। इनको मिटा रूं मैं, जो पीरियोडिक मोशन टू एंड फ्रो तरह के हो उनको हम ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। जैसे पेंडुलम टिंग 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 टू एंड फ्रो मोशन। देखो पीरियोडिक ये सब भी थे, ऊपर चढ़ना नीचे आना गोल घूमना चक्कर काटना सब पीरियोडिक है, स्कूल में आग का 8 बजे खुलना, पर ये ऑसिलेटरी नहीं है। ऑसिलेटरी टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो, ये मोशन ऑसिलेटरी मोशंस के अंदर आते हैं। जैसे झूला, कौन सा झूला? ये वाला स्विंग, स्विंग पे बैठे यहां पल्ला झूले बच्चा ही ले, पल्ली के संग बच्चा झूले बैठे, ऐसे ए धाम गिर जाते हैं ना ज्यादा ऊपर जाते बड़ा गिर जाते हैं स्विंग। तो ये जो स्विंग का मोशन होता है ये भी टू एंड फ्रो है और ये ऑसिलेटरी मोशन माना जा सकता है। क्या ये पीरियोडिक है? बिल्कुल, पीरियोडिक भी अपनी चीज को रिपीट कर रहा। ऑल पीरियोडिक मोशन आर ऑसिलेटरी? नो, पीरियोडिक कैन बी ऑफ एनी नेचर। ऑल ऑसिलेटरी मोशंस आर पीरियोडिक? यस, 99% इसका आंसर यस है। किसका? ऑल ऑसिलेटरी, ऑसिलेटरी मोशन आर पीरियोडिक। भाई ऑसिलेटरी पीरियोडिक के अंदर से ही तो आया है, पर मैंने 99% लिखा, अभी समझाऊंगा आगे। और समझो, जैसे मान लो अपनी गिटार की स्ट्रिंग है, इसको आपने बजाया टंग, ऐसे होती है स्ट्रिंग, थोड़ा ज्यादा दिखा दिया मैंने, है ना? सर आप कभी गिटार बजाए भी हो? बस वीडियो में बता दो गिटार की स्ट्रिंग, आप गिटार की स्ट्रिंग को ऐसे प्लक करो टिंग टुन 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 टुन, अच्छा ठीक है। एनीवेज तो ये जो मोशन है ये भी टू एंड फ्रो मोशन है, डिंग 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 डिंग। ऐसे मोशन बच्चों ऑसिलेटरी मोशन के अंदर काउंट हो सकते हैं, ऐसे मोशन ऑसिलेटरी मोशन के अंदर काउंट हो सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पीरियोडिक मोशन एंड ऑसिलेटरी मोशन? पीरियोडिक जो खुद को फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम पे रिपीट करे, और ऑसिलेटरी जो पीरियोडिक तो हो, जो पीरियोडिक तो हो पर साथ में टू एंड फ्रो भी हो, साथ में टू एंड फ्रो भी हो। क्या सारे पीरियोडिक मोशन ऑसिलेटरी होंगे? नो 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 नो। क्या सारे ऑसिलेटरी मोशन पीरियोडिक होंगे? यस 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 यस, 99%। अब बात यहीं पे आ जाती है, कई बार एक वर्ड यूज होता है हार्मोनिक,
भाई क्या होता है ना, जब तुम देखोगे पीछे ऑप्शंस देखोगे ऑल पीरियोडिक आर ऑसिलेटरी, ऑल ऑसिलेटरी आर हार्मोनिक, ऑल हार्मोनिक आर एसएचएम, ऐसे फंसाता है। प्यारे बच्चों हार्मोनिक का मतलब होता है पीरियोडिक, टेंशन खत्म, बात यहीं पे खत्म। हार्मोनिक का मतलब क्या होगा? पीरियोडिक, ठीक है, ठीक है। वैसे हार्मोनिक का मतलब होता है कि साइन का फंक्शन हो, कॉस का फंक्शन हो, अगर आप मैथ्स में बहुत घुसोगे अंदर, पर अभी आप समझो हार्मोनिक का मतलब पीरियोडिक। चलो यहां तक बातें अपने को क्लियर हुई। अब सवाल आता है कि ये SHM क्या चीज है। SHM समझने से पहले आपको मैं ऑसिलेटरी मोशन समझाऊंगा। भाई चैप्टर का नाम क्या है? ऑसिलेशंस। तो आइए ऑसिलेटरी मोशन समझते हैं। इसको मिटा दूं, इसको मिटा दूं, ओके। टिन 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 टिन। एग्जाम पास आए पढ़ाई ना हो पाए, बार बार व्हाट्सएप पे मैसेज दिखाए, अब तो मेरा दिल क्लास में भी सोता है, क्या करूं हाय कुछ याद नहीं होता है। प्यारे बच्चों ऑसिलेटरी मोशन, ऑसिलेटरी मोशन, ऑसिलेटरी मोशन मैंने बता दिया, टू एंड फ्रो पीरियोडिक, टू एंड फ्रो पीरियोडिक। अब ऑसिलेटरी मोशन की जो इक्वेशन है, मैथमेटिकल इक्वेशन है, वो ये है कि ऑसिलेटरी मोशन में पार्टिकल हमेशा किसी एक पोजीशन की तरफ जाना चाहता है। जैसे मान लो पार्टिकल को आपने यहां से पकड़ कर इधर खींचा, तो पार्टिकल वापस इसी पोजीशन पे जाना चाहता है। आपने पार्टिकल को यहां से पकड़ कर इधर खींचा, तब भी पार्टिकल इसी पोजीशन पे जाना चाहता है। ऐसी पोजीशन को हम बोलते हैं मीन पोजीशन। क्या बोलते हैं? मीन पोजीशन। इसको आप इक्विलिब्रियम पोजीशन भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? इक्विलिब्रियम पोजीशन। ऑसिलेटरी मोशन है, गिटार की स्ट्रिंग ने ऐसे खींचा, टिंग वापस यहीं आई, फिर इधर टिंग, फिर वापस यहीं आई। पेंडुलम इधर जाके छोड़ो, फिर इधर, इधर, फिर इधर, यानी अपनी मीन पोजीशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे पार्टिकल लौटना चाहता है ऑसिलेटरी मोशन के दौरान, ठीक है। जैसे इसको ऐसे भी समझ सकते हो, मान लो हमारे पास यहाँ पे एक कटोरा है, कटोरे में कटोरा, कटोरे में केक, मेरे बच्चे लाखों में। मान लो यहाँ पे एक गेंद रखी है, गेंद, गेंदा, और इस गेंदा को मैं ऊपर उठाकर छोड़ दूं, तो आपको पता है गेंदा वापस यहीं जाएगी, फिर इस गेंदा को ऊपर उठा के छोड़ दूं तो ये वापस लुढ़क के इधर आएगी, क्योंकि आपने पढ़ा था ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है, और जितने लोग अच्छे से पढ़े थे उनको याद होगा कि ये स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन है। तो कहीं ना कहीं मीन पोजीशन रिप्रेजेंट करती है स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन को, कि वहां से पार्टिकल को कहीं पे भी डिस्प्लेस करो वापस वो वहीं आएगा। यानी सारे ऑसिलेटरी मोशन में एक फोर्स एक्ट करती है जो बॉडी को हमेशा मीन पोजीशन पे लाना चाहती है। एक फोर्स एक्ट करती है जो बॉडी को मीन पोजीशन पे लाना चाहती है। चाहे तुम इधर डिस्प्लेस करो तो फोर्स पीछे लगेगी, इधर डिस्प्लेस करो तो फोर्स इधर लगेगी, क्लियर है। तो जो इक्वेशन बनती है ऑसिलेटरी मोशन की वो बनती है एफ इज इक्वल्स टू माइनस के इंटू एक्स की पावर एन। क्या यहां तक बोर्ड दिखाई पड़ा? थोड़ा नीचे लिखता हूं मैं, कुछ कटना नहीं चाहिए। f इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स की पावर n, वेयर n इज इक्वल टू 1, 3, 5, 7, 9, मतलब ऑड नंबर होना चाहिए। क्या फायदा होगा ऑड नंबर से? जैसे मान लो f है माइनस के एक्स की पावर 3, मान लेते हैं। अब मेरे को बताओ, अगर आप पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव करोगे, यहां पॉजिटिव चीज रखोगे उसका क्यूब पॉजिटिव आएगा, फोर्स कैसी आएगी? नेगेटिव। मतलब जब इधर डिस्प्लेस करोगे, व्हेन एक्स विल बी पॉजिटिव देन फोर्स विल कम आउट टू बी नेगेटिव, मतलब फोर्स पीछे लगेगी। और अगर एक्स नेगेटिव हुआ, आपने पार्टिकल को पीछे डिस्प्लेस किया, तो फोर्स कैसी आएगी? यहां से देखो, नेगेटिव का क्यूब, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तब फोर्स पॉजिटिव, मतलब फोर्स इधर। जब आप इधर गए तो फोर्स नेगेटिव हो गई, जब आप इधर आए तो फोर्स पॉजिटिव हो गई। मतलब फोर्स जो होगी वो हमेशा हमेशा एक्स के अपोजिट होगी। वेयर वेयर वेयर
x is measured फ्रॉम मीन पोजिशन. छोटा छोटा बात छोड़ोगे तो बड़ा बड़ा दिक्कत होगा. वेयर एक्स इज मेजर्ड फ्रॉम मीन पोजिशन, यहां से यहां पे हम x की वैल्यू को जीरो मान रहे हैं. मीन पोजिशन पे x की वैल्यू जीरो मानी, जरा बताओ फोर्स कितनी आएगी. x की वैल्यू जीरो, जीरो की पावर कुछ भी, आंसर जीरो. यानी मीन पोजीशन पे नेट फोर्स ऑन द पार्टिकल जीरो. तभी तो इक्विलिब्रियम बोलते हैं. इक्विलिब्रियम का मतलब ही क्या होता था, जहां पे बॉडी के ऊपर लगने वाली नेट फोर्स जीरो. तो कुछ बातें हमें समझ में आई कि जितने भी ऑसिलेटरी मोशन होते हैं, सब में एक फोर्स होती है जो एड करती है टुवर्ड्स मीन पोजिशन. पार्टिकल को चाहे तुम राइट में डिस्प्लेस करो, चाहे लेफ्ट में डिस्प्लेस करो, पार्टिकल भागना चाहेगा टुवर्ड्स इट्स मीन पोजिशन, क्योंकि मीन पोजीशन होती है इक्विलिब्रियम पोजीशन. मीन पोजीशन पे पार्टिकल के ऊपर फोर्स जीरो होती है, और जो इक्वेशन बनती है ऑसिलेटरी मोशन की, माइनस के एक्स की पावर एन, वेयर एन इज एनी ऑड नंबर, एनी. यहां पे तुम एक्स की पावर फाइव ले लो, अभी कहानी सेम रहेगी. एक्स पॉजिटिव लोगे, एक्स की पावर पॉजिटिव के पावर फाइव पॉजिटिव, और ये मिला के नेगेटिव फोर्स नेगेटिव. एक्स नेगेटिव लोगे, नेगेटिव पावर फाइव नेगेटिव नेगेटिव मिला के फोर्स पॉजिटिव. तो कोई भी ऑड नंबर लोगे तो ऑसिलेटरी मोशन सेटिस्फाई होगा. व्हाट इज ऑसिलेटरी मोशन? इट इज टू एंड फ्रो पीरियोडिक मोशन. टू एंड फ्रो पीरियोडिक. अब मैंने बोला कि सारे पीरियोडिक ऑसिलेटरी हो जरूरी नहीं. पीरियोडिक कुछ भी, गोला घूमा ऐसे गए वैसे गए, सब पीरियोडिक हो सकता है, बस फिक्स्ड इंटरवल पे हो. ऑसिलेटरी टू एंड फ्रो, तो सारे पीरियोडिक ऑसिलेटरी नहीं हो सकते. पर क्या सारे ऑसिलेटरी मोशन पीरियोडिक मोशन हो सकते हैं? तो मैं आपको बोलता हूं यस, ऑल ऑसिलेटरी मोशंस आर पीरियोडिक एक्सेप्ट इन विच एनर्जी इज लॉस्ट. अगर एनर्जी है लूज कर दोगे तो पीरियोडिक कैसे रहेगा? एनर्जी है लूज कर दोगे तो भैया पीरियोडिक कैसे रहेगा? अब गिटार की स्ट्रिंग खींच के छोड़ी, वो हवा से हवा में जाएगी, हवा के पार्टिकल को मारेगी, उसमें उसकी कुछ एनर्जी खत्म होगी कि नहीं? तो धीमे धीमे उसकी पीरियोडिसिटी खत्म होती जाएगी, है ना. शुरू में जल्दी जल्दी लौट रही है, बाद में धीमे धीमे लौटेगी, तो धीमे धीमे उसकी पीरियोडिसिटी की प्रॉपर्टी खत्म होती जाएगी. तो अगर एनर्जी का कंजर्वेशन वैलिड है, अगर एनर्जी खराब नहीं हो रही, खत्म नहीं हो रही, देन ऑल ऑसिलेटरी मोशंस आर पीरियोडिक. अदरवाइज आ जाता है डैम्ड ऑसिलेशन. एनसीईआरटी में आप टॉपिक देखेंगे डैम्ड ऑसिलेशन, डैम्ड वाइब्रेशन. ठीक है अगर एनर्जी लॉस हो रही है तो डैम्पिंग होगी, धीमे धीमे ऑसिलेशन कम होती जाएगी. तो ये बात थी ऑसिलेटरी मोशन की. तो हम पीरियोडिक समझ गए, ऑसिलेटरी समझ गए, हमारा 20 से 25 मिनट जा चुका. अब स्टार्ट होगा सिंपल हार्मोनिक मोशन, SHM. मिटा दें. मैं पहले ही स्टार्ट करने बता दूं कि ऑसिलेटरी मोशन का एक पार्ट है SHM, इसलिए ऑसिलेटरी मोशन समझना जरूरी था. मिटा दें. तेरी आंखों के दरिया का उतरना भी जरूरी था, मोहब्बत भी जरूरी थी, बिछड़ना भी जरूरी था. छोड़ के चली गई ना वो. आजा वापस, ये तक दुख में चले गए, अरे छोड़ के चली गया, चल आजा. गाना सुनते ही फीलिंग आ गई. तो आते हैं वापस, क्या बात करते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन. सर नाम में सिंपल है पर चैप्टर बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है ना. तो नाम है सिंपल, नाम है डिंपल. डिंपल नहीं सिंपल है, डिंपल कौन है सर? तो डिंपल कौन है? सिंपल हार्मोनिक मोशन. डिंपल मेरी एक सीनियर मैम थी. नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी, सीनियर मैम थी सिर्फ. सिंपल हार्मोनिक मोशन, प्यारे बच्चों, सिंपल हार्मोनिक इज ए स्पेशल केस ऑफ ऑसिलेशन. ऑसिलेशन समझ में आ गया. ऑसिलेशन क्या है कि पार्टिकल को मीन पोजीशन से डिस्प्लेस करोगे तो वापस मीन पे भागेगा, इधर फेंकोगे तो इधर भागेगा. फोर्स की इक्वेशन क्या है? एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स की पावर एन, एन शुड बी ऑड नंबर. सिंपल हार्मोनिक मोशन इज द सिंपलेस्ट केस ऑफ ऑसिलेशन. ऑसिलेशन का सबसे सिंपल केस,
अगर मैं बोलूं ऑसिलेशन की इक्वेशन है एफ इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स की पावर 1 या माइनस के एक्स की पावर 3 या माइनस के एक्स की पावर 5, ये सब ऑसिलेशन है, हाँ कि ना, हाँ कि ना, हाँ भाई सबके सब ऑसिलेशन। इसमें से मोस्ट सिंपलेस्ट केस कौन सा है? नाउ दिस इज SHM, सिंपलेस्ट ऑसिलेटरी मोशन इज SHM मोशन। क्लियर? सिंपलेस्ट ऑसिलेटरी मोशन इज SHM, एफ इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स की पावर 1। क्लियर है? जहां एक्स की पावर 1 हो जाए उस वाले ऑसिलेटरी मोशन को SHM कहते हैं। ऑल ऑसिलेटरी मोशन आर SHM? नो, ऑल SHM आर ऑसिलेटरी? यस, यस। क्लियर रहेगी बात? SHM इज द सिंपलेस्ट केस ऑफ ऑसिलेटरी मोशन। में और सिंपल देंगे, सिंपल का मतलब कई टीचर यहां पे बोलते हैं स्ट्रेट लाइन, वो गलत नहीं बोलते हैं, कई बोल रहे हैं तो सही बोल रहे होंगे। सिंपलेस्ट का मतलब स्ट्रेट लाइन, जो ऑसिलेटरी मोशन स्ट्रेट लाइन में हो वो SHM है। यानी स्विंग वाले को SHM में नहीं ले सकते, टी 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 वो SHM में नहीं आएगा। पर अगर उसी स्विंग के मोशन को छोटा 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 एम्पलीट्यूड दें, टिंग डिंग डिंग डिंग, तो वो करीब करीब स्ट्रेट लाइन बनती जाएगी। देखो पेंडुलम को अगर छोटे छोटे मूवमेंट दें, टिंग डिंग टिंग टिंग डिंग 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 डिंग, तो वो करीब करीब स्ट्रेट लाइन, तब उसको SHM में हम काउंट करेंगे। यानी पेंडुलम का मोशन भी हमें पढ़ना है SHM के अंदर, ये मानेंगे कि उसके वाइब्रेशन बहुत छोटे छोटे हैं। तो स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, दिमाग में डालें कि सिंपल हार्मोनिक मोशन शुड ऑलवेज बी इन स्ट्रेट लाइन। इक्वेशन है एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स की पावर 1। कहानी वही है यहाँ पे भी कि एक मीन पोजिशन होगा, एक थी मीन पोजीशन, जहां पे x की वैल्यू हम जीरो लेंगे। ये x मीन पोजीशन से मेजर हुआ है, जहां पे फोर्स पार्टिकल पे जीरो होगा, जहां पे पार्टिकल स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा। जय मजा जय मस्ती है, स्टेबल इक्विलिब्रियम। आप पार्टिकल को यहां से खींच के इधर लेके आओगे तो x डिस्प्लेसमेंट कैसा है? पॉजिटिव। फोर्स कैसी आएगी? नेगेटिव। आप पार्टिकल को इधर खींच के आओगे, एक्स कैसा होगा? नेगेटिव। नेगेटिव पावर माइनस, सॉरी नेगेटिव पावर 1, नेगेटिव, नेगेटिव बिकम्स पॉजिटिव, यानी फोर्स होगी पॉजिटिव, मतलब फोर्स इधर लगेगी। यानी फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीन पोजीशन, फोर्स इज ऑलवेज टुवर्ड्स मीन पोजीशन। मैं ये नहीं बोलूंगा फोर्स इज ऑलवेज अपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट। अब पता नहीं आप डिस्प्लेसमेंट कहां से ले रहे हो। अगर डिस्प्लेसमेंट मीन पोजीशन से लोगे तब फोर्स इज ऑलवेज अपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट। कहां से लेना है? एक्स, एक्स शुड ऑलवेज बी मेजर्ड, एक्स शुड ऑलवेज बी मेजर्ड फ्रॉम ओरिजिन। अब ओरिजिन क्या? फ्रॉम मीन पोजिशन। तब आप बोल सकते हो कि फोर्स इज ऑलवेज अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इफ द डिस्प्लेसमेंट इज टेकन फ्रॉम मीन पोजीशन। ज्यादा खींच दिया क्या? कोई बात नहीं, ज्यादा खींच दिया तो कोई बात नहीं, अच्छे समझ में आया। यहां तक बात समझ में आई? जैसे स्प्रिंग की कहानी आप समझ सकते हैं। आप मान लो ये स्प्रिंग है, टक 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 बूम, ये मान लो इसका मीन पोजिशन, यहां मस्त एकदम आराम से शांति से बैठा है। इसको आपने इधर खींचा और छोड़ा, क्या होगा? जैसे इधर खींच के छोड़ोगे फोर्स पीछे लगेगी। क्या यहां आके रुकेगा? वो यहां तक वो वेलोसिटी गेन कर चुका होगा। ऐसे छोड़ोगे फिर थोड़ा अंदर चला जाएगा, फिर यहां रुकेगा, फिर वापस फिर यहां वापस। अगर एनर्जी कंजर्व्ड है तो ये चीज चलती रहेगी अनंत काल तक, और यदि एनर्जी लॉस हो रही है तो धीमे धीमे। क्लियर? चलिए अब SHM का हम थोड़ा सा पोस्टमार्टम करते हैं, मिटा रहे इसको। आइए थोड़ी बहुत बातें आपको SHM के बारे में समझ में आई। अब बात करते हैं SHM में होने वाली वेलोसिटी, SHM में होने वाली डिस्प्लेसमेंट, SHM में होने वाली एक्सेलरेशन और इन सभी चीजों के बारे में थोड़ी सी डिटेल में बातें करते हैं। आइए मान लीजिए ये अपना मीन पोजीशन है, अब सुनो, अब ध्यान से, कुछ पॉइंट्स आने वाले हैं इंपॉर्टेंट वेलोसिटी और एक्सेलरेशन वाले। अब सीरियस, मजाक नहीं, यहां से मैंने पार्टिकल को उठाया और पार्टिकल को मैं इस तरफ लेके गया, ठीक है, पार्टिकल को खींच के मैं इस तरफ लेकर गया, है ना। अच्छा चलो यहां से देखो मोशन, यहां से देखोगे और मजा आएगा। ये मान लो एक्सट्रीम पोजीशन है ना,
और ये एक दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन, दोनों तरफ एक्सट्रीम होता है ना, जहां जाके मोशन रुक जाता है, ठीक है। चलो मानते हैं पार्टिकल को मैं यहां से छोड़ रहा हूं, और आप दिमाग में जब मैं पार्टिकल बोलूं आप स्प्रिंग सिस्टम इमेजिन करते रहो कि स्प्रिंग में ब्लॉक है, उसको पकड़ के मैं यहां लाके छोड़ने जा रहा हूं। अब बताओ जब हम यहां से ब्लॉक को छोड़ेंगे तो यहां ब्लॉक की वेलोसिटी कितनी होगी? जीरो होगी, बिल्कुल सही। एक्सट्रीम पॉइंट पे वेलोसिटी, देखो यहां से छोड़ा टिंग इधर भागेगी, वेलोसिटी जीरो। जब आप यहां से इसको छोड़ोगे तो फोर्स किधर लगेगी? इस तरफ खींचेगा मेन पोजीशन स्प्रिंग, सोचो इस तरफ, यानी फोर्स इधर लगेगी। बच्चों जो फोर्स का डायरेक्शन वही एक्सेलरेशन का डायरेक्शन, मतलब जब पार्टिकल ऐसे आएगा तो एक्सेलरेशन ऐसे लगेगी। और वेलोसिटी के बारे में क्या कहते हो? वेलोसिटी बढ़ेगी कि घटेगी? सोच के बोलना। यहां से मैंने छोड़ा टिंग, जैसे पकड़ा जैसे स्प्रिंग खींचे, वेलोसिटी लगातार क्या करेगी? इंक्रीज। तो यहां से यहां वेलोसिटी इंक्रीज की। अच्छा, आते 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 ये मीन पोजीशन पे आया, मीन पोजीशन पे आके इसकी एक्सेलरेशन क्या होनी है? जीरो। भाई मीन पोजीशन पे कोई फोर्स लगेगी नहीं, सोचो खींचा था छोड़ा डिंग, मीन पे आके खुश हो गया, यानी मीन पोजीशन पे आके पार्टिकल का एक्सेलरेशन जीरो हो जाना है। तो क्या पार्टिकल मीन पोजीशन पे आकर रुक जाएगा? क्या पार्टिकल का चलना और रुकना उसके एक्सेलरेशन पे डिपेंड करता है? नहीं 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 नहीं, पार्टिकल का चलना और रुकना डिपेंड करता है वेलोसिटी पे। भाई साहब जब यहां से यहां छोड़ोगे जूम, पार्टिकल ने वेलोसिटी गेन कर ली, तो यहां पे वो रुकना तो चाहेगा बट अपनी वेलोसिटी की वजह से वो आगे निकल जाएगा, मतलब पार्टिकल चला आएगा इधर। एक खास बात, इस जगह पे पार्टिकल की वेलोसिटी मैक्सिमम हो चुकी होगी। और सर एक्सेलरेशन जीरो वेलोसिटी, अरे तो रास्ते भर तो एक्सेलरेशन लगा ना, रास्ते भर ऐसे खींच छोड़ा जूम जी, जब आएगी देखो मेन पोजीशन सबसे तेज भागेगी, जूम फिर जहां इधर जाते हो क्या होगा सोचो, जूम फिर इधर जाते हो क्या होगा, स्पीड फिर कम होगी, फिर जाके यहां रुकेगी, फिर यहां रुकेगी, फिर वापस खींचेगी जूम, फिर यहां से स्पीड फिर मैक्सिमम, फिर गया फिर स्पीड कम हुई रुका फिर जूम, मतलब यहां पे वेलोसिटी मैक्सिमम हुई। जैसे ही पार्टिकल इस तरफ आया, सोचो ये इधर से खींच के छोड़ा था यूं, जैसे ही पार्टिकल उधर जाएगा फोर्स पीछे, मतलब फोर्स इधर तो एक्सेलरेशन अब इधर। देखो एक्सेलरेशन यहां से यहां में डिक्रीज करता है, गलत बता दिया सर, नहीं सही बता रहा हूं, वेलोसिटी कैसे इंक्रीज कर रही है? अरे मान लो शुरू में एक्सेलरेशन 5 है, वेलोसिटी बढ़ेगी घटेगी? बढ़ेगी। मान लो बाद में एक्सेलरेशन 3 है, वेलोसिटी बढ़ेगी घटेगी? बढ़ेगी। बढ़ने का स्प्रेट कम हो जाएगा, उतनी तेजी से नहीं बढ़ेगी। मान लो एक्सेलरेशन 1 है, वेलोसिटी बढ़ रही है घट रही है? बढ़ रही है। मान लो एक्सेलरेशन 0.5 है, वेलोसिटी बढ़ रही घट रही है? भैया अभी भी बढ़ रही है, बढ़ने का रेट कम हो गया। पहले हर सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड बढ़ रही थी, फिर हर सेकंड में 3 मीटर पर सेकंड, फिर हर सेकंड में 1 मीटर पर सेकंड, यानी यहां से यहां एक्सेलरेशन डिक्रीज भी कर रहा है इस मोशन में। समझ में आया? तभी तो एक्सेलरेशन यहां से यहां आते वक्त जीरो हो गया, फिर जैसे ही इधर गया अब एक्सेलरेशन इधर लगा इस तरफ, और वेलोसिटी किस तरफ होगी प्यारे बच्चों? इस तरफ। वेलोसिटी इंक्रीज की डिक्रीज भूल जाओ ये बात, भूल जाओ, चल एक्सेलरेशन डिक्रीज वाला पाती भूल जाओ, गलत गलत है ही नहीं 1% भी। चलो वापस आओ, अब जैसे ही मीन के इधर आया तो फोर्स इधर लग गई, एक्सेलरेशन इधर। अब बताओ वेलोसिटी इंक्रीज की डिक्रीज, यहां वेलोसिटी मैक्सिमम थी यहां से निकला, अब फोर्स वापस खींच रही तो धीमे धीमे वेलोसिटी घटेगी घटेगी घटेगी, यानी वेलोसिटी स्टार्ट्स डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग, और यहां आके वेलोसिटी फिर से जीरो, वेलोसिटी जीरो, वेलोसिटी जीरो हो गई यहां के। अब यहां पे जैसे ही वेलोसिटी जीरो हुई, एकदम एक्सट्रीम पे रुका हुआ, यहां पे वापस फोर्स लगी जूम, वापस वहां से मोशन स्टार्ट हुआ, यानी अब रिटर्न मोशन देखते हैं। ये तो जाने का मोशन था, जाते वक्त एक्सेलरेशन इधर और वेलोसिटी डिक्रीज, लौटते वक्त ऐसे चले। अब बताओ एक्सेलरेशन किधर? बोर हो रहा क्या? ए जूम यहां पे पहुंचा। अब जब वापस आएगा तो एक्सेलरेशन भी तो वापस मीन पोजीशन की तरफ होगी, जब इधर से इधर आएगा फोर्स किधर लगनी? इधर ही लगनी है, है ना, जूम। तो यानी एक्सेलरेशन अभी भी इधर है और इस बार वेलोसिटी इंक्रीज करेगी, यहां आते आते वेलोसिटी फिर से मैक्सिमम होगी, फिर जैसे ही इस तरफ आएगा एक्सेलरेशन फिर पीछे लगेगी और वेलोसिटी डिक्रीज करेगी, और यहां आते आते वेलोसिटी फिर जीरो होगी। क्या इतना मोशन आपके दिमाग में जा रहा है? सोचता हूं उसका दिल कभी मुझ पे आए तो, नहीं आएगा जान भी उसे दे दूं मैं। समझ में आ रहा है? मैंने मीन पोजीशन से इसको इधर किस, यहां से छोड़ा, मैंने मोशन यहां से स्टार्ट किया तो एक्सेलरेशन इधर थी, खींच रही थी, वेलोसिटी बढ़ती गई यहां पे मैक्सिमम हुई, फिर वेलोसिटी घटते घटते यहां जीरो, फिर यहां से वेलोसिटी बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम, फिर जाते जाते जीरो, यही तो होगा।
शूं शूं, बीच में सबसे तेज जाएगी, साइड में जाके रुकेगा। अब इसमें ध्यान देने की बात यह है कि एस्केलेरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीन पोजिशन। एस्केलेरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीन पोजिशन होना भी चाहिए भाई साहब। फोर्स की इक्वेशन थी एफ इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स, यानी एस्केलेरेशन क्या होगा, फोर्स बटे मास, यानी एस्केलेरेशन होगा माइनस के बाई एम इन टू एक्स। और यही दिख भी रहा है, जब एक्स यानी डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजिशन पॉजिटिव है तब एस्केलेरेशन नेगेटिव, जब x नेगेटिव यहां कहीं भी होगा तो x की वैल्यू नेगेटिव। मेरी बात ध्यान से सुनो, बहुत छोटी छोटी बातें बच्चों के दिमाग में होती है कि सर जब ये ऐसे आ रहा है तब तो x पॉजिटिव होगा। ना रे ना, जब ये इधर से आ रहा है तब भी x नेगेटिव है, क्योंकि हम डिस्प्लेसमेंट यहां से मेजर कर रहे हैं। मान लो वो लौट रहा है इस जगह पे, लौट रहा है इस जगह पे, अब बताओ उसका डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है कि नेगेटिव। भाई साहब नेगेटिव है, वो चल रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन में, उसकी वेलोसिटी पॉजिटिव है, पर अभी भी वो मीन पोजीशन से पीछे है, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है। इस तरफ पूरे इस तरफ एक्स की वैल्यू नेगेटिव है, चाहे आ रहा हो चाहे जा रहा हो, क्योंकि एक्स यहां से मेजर हो रहा है, और इस तरफ एक्स की वैल्यू पॉजिटिव है। जब एक्स पॉजिटिव तो एस्केलेरेशन नेगेटिव, जब एक्स नेगेटिव तो एस्केलेरेशन पॉजिटिव, जब एक्स नेगेटिव एस्केलेरेशन पॉजिटिव, जब एक्स पॉजिटिव एस्केलेरेशन नेगेटिव। क्लियर? अब सुनो, इस k by m को k कांस्टेंट है भैया, है ना, कुछ कांस्टेंट SHM का कांस्टेंट, कुछ कुछ है कांस्टेंट, और m तो मास ऑफ पार्टिकल है विच रिमेंस कांस्टेंट इन SHM। इस k by m को हम एक नया कांस्टेंट बोलते हैं, a इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x। पहला सवाल है आपका कि स्क्वायर क्यों किया, स्क्वायर इसलिए किया ताकि ये क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव आए। भाई k by m की वैल्यू पॉजिटिव आनी चाहिए ना, तभी तो ये सब चीजें वैलिड होगी जितनी बातें हो रही है। और k भी नेगेटिव हो गया, फिर नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो k by m हमेशा पॉजिटिव रहे, इसलिए मैंने एक नया कांस्टेंट लिखा ओमेगा स्क्वायर। आप साइड में कोपचे में कहीं लिख लेना, ओमेगा इज इक्वल्स टू अंडर रूट k by m, ओमेगा इज इक्वल्स टू अंडर रूट k by m। थोड़ी देर बाद समझाएंगे ओमेगा क्या होता है, छोड़ेंगे नहीं, छोड़ेंगे कुछ नहीं, छोड़ेंगे, छोड़ना होता है इतना लंबा लेक्चर क्यों बनाता है। तो a इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x, तुम एग्री करते जाओ मुझे, सब समझाता जाऊंगा। अब यहां बताओ एस्केलेरेशन कब जीरो होगा, सब दिखेगा बार बार दिखेगा, जब एक्स का वैल्यू जीरो होगा तब एस्केलेरेशन जीरो होगा। क्लियर? मीन पोजीशन पे एस्केलेरेशन जीरो। हाँ अच्छा, मान लेते हैं ये जो है इसको एम्पलीट्यूड बोलते हैं, सबको पता है ना इसको एम्पलीट्यूड, मीन पोजिशन से जो एक्सट्रीम का डिस्टेंस एम्पलीट्यूड। तो मान लेते हैं ये है एक्स इज इक्वल्स टू प्लस ए और ये है x इज इक्वल्स टू माइनस ए। ठीक, अब मुझे बताओ एस्केलेरेशन मैक्सिमम कब होगा। भैया एस्केलेरेशन में ये तो कांस्टेंट है, मतलब x पे डिपेंड कर रहा है, जब x की वैल्यू मैक्सिमम तब एस्केलेरेशन मैक्सिमम, यानी एस्केलेरेशन विल बी मैक्सिमम व्हेन, व्हेन बोलो व्हेन x इज इक्वल्स टू प्लस ए और x इज इक्वल्स टू माइनस ए, यानी कि एक्सट्रीम पोजीशन पे। सही बताओ, सही बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं? फोर्स की इक्वेशन एस्केलेरेशन, एस्केलेरेशन मैक्सिमम तब होगा जब ये वैल्यू मैक्सिमम हो, प्लस ए या माइनस ए। तो मैक्सिमम एस्केलेरेशन है वो है माइनस ओमेगा स्क्वायर ए या प्लस ओमेगा स्क्वायर ए, यानी अगर मॉड में बात करूं तो मैक्सिमम एस्केलेरेशन का जो मैग्नीट्यूड है वो है ओमेगा स्क्वायर ए, और ये कहां पे होता है, एक्सट्रीम, यानी एक्सट्रीम पोजीशन पे एस्केलेरेशन मैक्सिमम, यहां पे भी एस्केलेरेशन मैक्सिमम। सर ऐसा हो सकता है पार्टिकल के पास एस्केलेरेशन हो पर वेलोसिटी जीरो? बहुत बार हुआ है ऐसा, पहली बार थोड़ी ना जीवन में हुआ है। इस बॉल को मैं यहां से ड्रॉप करूं, टिंग, इस टाइम इसकी वेलोसिटी, इस मार्कर को यहां से ड्रॉप करूं, इसकी वेलोसिटी जीरो, एस्केलेरेशन ग्रेविटी वाला लग रहा है, ऐसा हो सकता है, कोई नहीं बात नहीं। यानी इस तरफ से इस तरफ आते वक्त एस्केलेरेशन डिक्रीज करता है, जो मैं बता रहा था, देखो एस्केलेरेशन मैक्सिमम से जीरो, वेलोसिटी फिर भी इंक्रीज करी, मतलब वेलोसिटी के इंक्रीज करने का रेट कम हो जाएगा, शुरू में बहुत तेजी से इंक्रीज करी थी फिर धीमे धीमे इंक्रीज करेगी, यहां आके मैक्सिमम फिर डिक्रीज। क्लियर है? क्लियर है? SHM की बढ़िया पोस्टमार्टम हुआ है, मैक्सिमम एस्केलेरेशन आपको मिल गया है, ओमेगा स्क्वायर ए एक्सट्रीम पोजीशंस पे होता है, एस्केलेरेशन की इक्वेशन बन गई है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, वेयर ओमेगा इज अंडर रूट के बाई एम, एस्केलेरेशन जीरो होता है कहां पे, मीन पोजीशन पे, क्योंकि वहां पे फोर्स जीरो होती है। इसको एक बार लिखकर अपने दिमाग में छापो,
है ना, कॉपी में नहीं दिमाग में। क्या फील हो रही है बातें कि सिर्फ सिर्फ लिखा रहा हूं मैं, चाहता तो सीधा इक्वेशन लिखता x is equals to a sin omega t plus y और स्टार्ट कर देता, नहीं पहले समझना होता है। मैंने कहा एक्सट्रीम तो छोड़ा, इधर आया एक्सेलरेशन, इधर वेलोसिटी बढ़ रही मैक्सिमम, फिर वेलोसिटी घट रही जीरो, फिर वेलोसिटी बढ़ रही बड़ी मैक्सिमम, फिर वेलोसिटी घट रही जीरो, वेलोसिटी बढ़ रही बड़ी मैक्सिमम, वेलोसिटी घट रही जीरो, फील हुआ। जब इधर गए तो एक्सेलरेशन इधर, जब यहां आए तब भी एक्सेलरेशन इधर, इधर गए तो एक्सेलरेशन इधर, जब इधर आ रहा है एक्सेलरेशन इधर, इस तरफ हो गए तो एक्सेलरेशन इधर लगेगा, इस तरफ हो गए तो एक्सेलरेशन इधर लगेगा। क्लियर, इतनी सी बात थी, इतनी सी बात है, अभी और आएगा डिटेल में समझाएंगे। मुझे तुमसे प्यार है, मुझे तुमसे मिटा दे प्यार है, सर बहुत ढेर सारी बातें होगी हैं। आओ सारी बातों को मैं एक बार जल्दी से समराइज कर देता हूँ आपके लिए। देखो मैंने देखा है ये एक सपना, फूलों के शहर में हूँ घर अपना, क्या समा। देखो पहली चीज आपको पढ़नी है a इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, कहां से आया, यहां से आया, f इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स से, ठीक है। फिर मैंने बोला a इज इक्वल्स टू f बाय m, और ये हो गया माइनस k बाय m इंटू एक्स, k बाय m को मैंने ओमेगा स्क्वायर बोल दिया, तो a इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x। फिर मैंने बोला एक्सेलरेशन की वैल्यू जीरो होगी मीन पोजीशन पे, आपको भी समझ में आता है x की वैल्यू जीरो होगी। फिर मैंने बोला एक्सेलरेशन की वैल्यू मैक्सिमम होगी ओमेगा a, और ये कहां पे होगी, एक्सट्रीम पोजीशन पे, जहां x की वैल्यू या तो प्लस a या तो माइनस a। ये भी समझ में आ रहा है, एक्सेलरेशन x पे डिपेंड कर रहा है, तो प्लस a माइनस a पे एक्सेलरेशन मैक्सिमम। फिर मैंने बोला वेलोसिटी की वैल्यू जीरो होगी एक्सट्रीम पोजीशन पे, ये आपको एविडेंट है सोच से, रुकी फिर वापस आई। फिर मैंने बोला वेलोसिटी की वैल्यू मैक्सिमम होगी मीन पोजीशन पे, यानी जहां पे x की वैल्यू जीरो होगी। बस इतनी ही तो बातें की मैंने, क्लियर क्लियर, बहुत बढ़िया, मिटा दें, ओके। ये क्या हुआ, कब हुआ? अब हम बात करने जा रहे हैं डिपेंडेंस ऑफ फोर्स ऑन एक्स, यानी एफ वर्सेस एक्स, एक्सेलरेशन वर्सेस एक्स, वेलोसिटी वर्सेस एक्स, इन सब की बात करेंगे। एक्सेलरेशन कैसे एक्स के साथ वेरी करता है, मिल चुका है। फोर्स कैसे वेरी करती है एक्स के साथ, मिल चुका है। वेलोसिटी कैसे एक्स के साथ वेरी करती है, नहीं मिला है, ये हम ढूंढने जा रहे हैं, ये हम ढूंढने जा रहे हैं। और ओमेगा क्या है, ओमेगा स्क्वायर के बाय एम की जगह आया, ऐसे समझ लो, ऐसी एक कांस्टेंट, अभी समझाएंगे अंदर है उसमें भी डिटेलिंग। एफ वर्सेस एक्स, ए वर्सेस एक्स, वी वर्सेस एक्स, चलिए बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एफ वर्सेस एक्स की, तो बातें पहले ही हो चुकी है, एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स। अगर मैं इसका ग्राफ बनाना चाहूं, एफ वर्सेस एक्स का ग्राफ, सो एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स, ये एक्स, ये एफ, अच्छा माइनस के एक्स, यानी एक्स की वैल्यू जीरो रखो तो फोर्स जीरो आएगी। नेगेटिव स्लोप का ग्राफ ऐसे बनता है, और यहां से जरूर क्रॉस कर रहा होगा, ये है ग्राफ, सिंपल। एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स, वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ है, सिंपल। देखो ना, जब x पॉजिटिव है तो फोर्स नेगेटिव है, जब x नेगेटिव है तो फोर्स पॉजिटिव है। अरे यार SHM, अरे स्प्रिंग वाले फोर्स की ग्राफ है, यही तो ग्राफ रहता था स्प्रिंग फोर्स का भी। जैसे मान लो a वर्सेस x, सेम ग्राफ बनेगा, a इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x, अब ओमेगा पॉजिटिव क्वांटिटी, सेम ग्राफ, सेम सेम ग्राफ, a x, x की वैल्यू जीरो पे एक्सेलरेशन जीरो, सेम ग्राफ, x पॉजिटिव एक्सेलरेशन नेगेटिव, x नेगेटिव एक्सेलरेशन पॉजिटिव, तो ये दोनों तो समझ में आ गए। अब बात आती है v वर्सेस x, v वर्सेस x कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा, तो हमें निकालना पड़ेगा, मिटा दूं, ओके ओके ओके, तो हम निकालने जा रहे हैं v वर्सेस x, v वर्सेस x, v वर्सेस x, प्यारे बच्चों v वर्सेस x बनाना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। एक्सेलरेशन की इक्वेशन क्या थी, a इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x, और ओमेगा स्क्वायर k बाय m के इक्वल है, k कोई कांस्टेंट है। क्या मैं एक्सेलरेशन को, मुझे चाहिए क्या v वर्सेस x चाहिए, क्या मैं एक्सेलरेशन को dv बाय dt लिख सकता हूं, बिल्कुल, पर मुझे टाइम नहीं चाहिए इसमें। क्या मैं इस एक्सप्रेशन को dx dx से मल्टीप्लाई कर सकता हूं ऊपर नीचे,
ऊपर dx से नीचे dx, a की जगह dv by dt, dx dx से मल्टीप्लाई इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x. क्या मैं dx by dt का वेलोसिटी लिख सकता हूं? वेलोसिटी क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. तो ये बन गया v और ये हो गया dv by dx. बोलो सही है? एस्केलेरेशन का एक फॉर्मूला मैंने शायद पहले ही बताया है, v dv by dx बता रखा होगा आपको. एस्केलेरेशन को हम लिख सकते हैं v dv by dx, टाइम का टर्म नहीं आया, dv by dt इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x. अब देखो इस इक्वेशन में दो वेरिएबल हैं v और x, तो v dv इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x dx लिख सकते हैं. अब तो इसको इंटीग्रेट करना है, सबके दिमाग में ये बात है, इंटीग्रेट इंटीग्रेट क्या करोगे? डेफिनेट. चलो डेफिनेट करते हैं, लिमिट लगाते हैं. सोचो जब x की वैल्यू a रखता हूं, जब x की वैल्यू प्लस a है, प्लस a मतलब एक्सट्रीम पोजीशन पे है, तो एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी कितनी है? जीरो. तो यहां पे वेलोसिटी जीरो हो जाएगी. जब x प्लस a होगा एक्सट्रीम पे, वहां पे वेलोसिटी जीरो. जब x की वैल्यू कोई रैंडम x है, उस टाइम वेलोसिटी रैंडम v ले लो, तभी तो v वर्सेस x बनेगा. देखो एक पोजीशन मैंने ये ले ली, ये वाली, यहां पे x हुआ प्लस a और यहां वेलोसिटी हुई जीरो. एक पोजीशन यहां ले लो जहां x की वैल्यू x है और वेलोसिटी की वैल्यू v है, रैंडम. अब इंटीग्रेट कर दो, v dv का इंटीग्रेशन होगा v स्क्वायर / 2 जीरो से लेके v तक. यहां से माइनस ओमेगा स्क्वायर बाहर आ गया. x dx का इंटीग्रेशन होगा x स्क्वायर / 2 a से लेकर x तक. लिमिट्स रखें, वैल्यूज रखें. उफ, तुम्हारी ये आदर्श, तुम्हारी ये वैल्यूज, वैल्यूज रखी जाए. सो यहां v स्क्वायर / 2 माइनस 0 स्क्वायर / 2, v स्क्वायर / 2 आ रहा है, तो ये आ रहा v स्क्वायर / 2 इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर और ये 2 बाहर ले लो / 2, तो ये आएगा x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, 2 से 2 मर गया. v स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इस नेगेटिव को अंदर भेज दिया, ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर. लो बन गया, लो बन गया भैया v और x का एक्सप्रेशन, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर. अब v की दो वैल्यूज आएंगी, अंडर रूट लगाओगे ना तो दो वैल्यूज आएंगी, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, और वो सही भी है. मैं चाहता हूं भगा दूं पर क्या करूं, क्या ना करे क्या करे ये दिल क्या करे. देखो मैं बताता हूं क्या हो रहा है, जब रूट लोगे तो दो वैल्यूज आएंगी v की, पॉजिटिव नेगेटिव. वो क्या हो रहा है, यहां पे x की वैल्यू प्लस a, यहां पे वेलोसिटी बोली आपने जीरो, ये सही था. आपने एक रैंडम x लिया, यहां पे वेलोसिटी की दो वैल्यूज होंगी, यहां पे वेलोसिटी की दो वैल्यूज होंगी रैंडम x पे. या तो पार्टिकल इधर जा रहा होता या तो पार्टिकल पीछे आ रहा होता, तो या तो वेलोसिटी पॉजिटिव आएगी या तो वेलोसिटी नेगेटिव, इसलिए यहां पे रूट आने पे एक प्लस एक माइनस आ रहा. हर चीज का आंसर है. अच्छा, सो v इज इक्वल्स टू अंडर रूट लेंगे तो ओमेगा बाहर आ गया, अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर. बाकी प्लस माइनस तो है ही, उसको हम नहीं ध्यान दे रहे हैं. v इज इक्वल्स टू ओमेगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर. तो हमें v वर्सेस x का एक्सप्रेशन भी मिल चुका है, v इज इक्वल्स टू ओमेगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, और प्लस माइनस भी मान लो साथ में, ठीक है ना, मान लो प्यारे बच्चों प्लस माइनस. अभी तक हमारी इतनी चीजों की डिस्कवरी हुई है. अब हमको f वर्सेस x का रिलेशन पता है, f वर्सेस x का रिलेशन पता है, a वर्सेस x का रिलेशन पता है, और v वर्सेस x का रिलेशन पता है, जिससे हम मैक्सिमम एक्सेलरेशन, मैक्सिमम फोर्स, मिनिमम एक्सेलरेशन, मिनिमम फोर्स, मैक्सिमम वेलोसिटी, मिनिमम वेलोसिटी सब कर सकते हैं. क्लियर है, हमें इतनी बातें पता है. मैं जरा देखूं कितनी चीजें दिख रही हैं, सब दिखाई पड़ रहा है, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. क्लियर है, तो आपने f वर्सेस x का ग्राफ देखा, a वर्सेस x का ग्राफ देखा. आपसे कोई v वर्सेस x का ग्राफ पूछ ले, आपसे पूछ ले द ग्राफ फॉर द प्लॉट फॉर v वर्सेस x इज. अच्छा, f वर्सेस x क्या था? स्ट्रेट लाइन. a वर्सेस x क्या था? स्ट्रेट लाइन. v वर्सेस x इज
ए वर्सेस एक्स इज सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला इन एसएचएम. द ग्राफ फॉर वी वर्सेस एक्स इन एसएचएम इज अ सर्कल, अ पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला. वो बहुत छोटा छोटा दिख रहा है, मैं बोल दे रहा हूं, मैं बोल रहा ना, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला. बोला रे बोला, हाइपरबोला. चलो देखते हैं. तो डेफिनेटली स्ट्रेट लाइन नहीं बन रहा है, वो दिख भी रहा है, स्क्वायर स्क्वायर की कहानी है. v इज इक्वल्स टू प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर. दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर लो. v स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर. यहां तक समझ में आया? बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया. जरा मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू v स्क्वायर बाई ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. लिख सकते हैं, बहुत अच्छा. एक्स स्क्वायर को उधर ले आओ. v स्क्वायर बाई ओमेगा स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर. पूरी इक्वेशन को RHS, LHS को ए स्क्वायर से डिवाइड कर दो. RHS, LHS को ए स्क्वायर से डिवाइड कर दो. सो v स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1. एलिप्स की इक्वेशन है बच्चों, ये पहचान रहे हो? एलिप्स क्या था? एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1. देखो वाई एक्सिस पे वेलोसिटी है, ये हो गया बी स्क्वायर. एक्स एक्सिस पे एक्स है, ये हो गया ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1. सो द इक्वेशन इज दैट ऑफ एलिप्स, द प्लॉट विल बी दैट ऑफ एलिप्स. जी एक्सप्रेशन याद होना चाहिए, वी स्क्वायर इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. ओमेगा स्क्वायर से डिवाइड किया, स्क्वायर को उधर, एक्स स्क्वायर को उधर लाया, ए स्क्वायर से डिवाइड किया, वी स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1. एलिप्स मिटाऊं बनाऊं? चलो देखते हैं. मतलब ये जो इक्वेशन बनेगी इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, ये वाई एक्सिस पे चला जाएगा, ओमेगा ए का स्क्वायर ये बी स्क्वायर हो गया इज इक्वल्स टू 1. अब जरा इसका मैं एलिप्स बनाऊं. एलिप्स पहचानते हैं आप लोग? ये थोड़ा ज्यादा चपटा बन गया, ये हो गया एलिप्स. बच्चों इसको हम बोलते थे ए, ए यहाँ पे ये है, मतलब ये वैल्यू होगी एक्स इज इक्वल्स टू प्लस ए, ये वैल्यू होगी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस ए. और ये याद हो बी होता था, यानी ये वैल्यू होगी एक्स इज इक्वल्स टू प्लस ए ओमेगा, सॉरी वाई, वाई मतलब वी, वी इज इक्वल्स टू प्लस ए ओमेगा, और ये होगी वी इज इक्वल्स टू माइनस ए. इसमें भी सारी चीजें मैं समझा सकता हूं. जब x की वैल्यू जीरो है तब वेलोसिटी की वैल्यू मैक्सिमम है, या तो प्लस ए ओमेगा जब मीन पोजीशन पे हैं हम, जब हम मीन पोजीशन पे हैं x की वैल्यू जीरो, तो या तो वेलोसिटी इस तरफ प्लस ए ओमेगा या तो पीछे की तरफ माइनस ए ओमेगा, विच इज द मैक्सिमम वेलोसिटी, विच इज द मैक्सिमम वेलोसिटी. देखो ना वेलोसिटी y एक्सिस पे, और जब x की वैल्यू मैक्सिमम हुई तो यहां पे वेलोसिटी देखो दिख रही है कितनी हो गई, जीरो. भाई x एक्सिस पे y की वैल्यू जीरो एक्सट्रीम पे, ये मैक्सिमम वेलोसिटी है a ओमेगा माइनस a ओमेगा, दिस इज द मैक्सिमम वेलोसिटी. फील हो रहा है ग्राफ से? नहीं हो रहा सर, हो ही नहीं रहा. अरे जैसे चाहो वैसे करो भाई. इस लाइन पे x की वैल्यू जीरो होगी, यहां जीरो रख दो x की जगह, ये पूरा जीरो. v स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओमेगा ए स्क्वायर, v इज इक्वल्स टू प्लस माइनस ए ओमेगा, यानी इस लाइन पर जब x जीरो होगा तो v स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर आएगा, यानी v इज इक्वल्स टू प्लस ओमेगा है या माइनस ओमेगा है, या तो ये वैल्यू या तो ये वैल्यू. अरे जैसे चाहो वैसे करो. v का एक्सप्रेशन बताओ, वो रहा v इज इक्वल्स टू प्लस माइनस ओमेगा. मैं बोल रहा हूं ना, पोस्टमार्टम कर लो, मुझे दिक्कत नहीं है. v मैक्सिमम कहां होगा? v मैक्सिमम मीन पे होता है, आपको पता मीन से सब तेज जाता है, मीन पे, मीन पे v मैक्सिमम, मीन राशि वाली कन्याएं. x की वैल्यू कितनी होती है मीन पे? जीरो, ये जीरो. v इज इक्वल्स टू प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट, x की वैल्यू जीरो, a स्क्वायर, a स्क्वायर बाहर आके हो जाएगा a, v इज इक्वल्स टू प्लस माइनस ओमेगा है, यही तो मैं बोल रहा हूं. वेलोसिटी मैक्सिमम होगी और उसकी वैल्यू a ओमेगा a होगी. खत्म, खत्म, खत्म. यानी एक आपको और डेटा मिलता है कि v मैक्स जो कि मीन, सॉरी हां जो कि मीन पे होता था, उसकी वैल्यू है प्लस माइनस ए ओमेगा. सर इतना डेटा एक दिन में? नहीं नहीं, क्लियर है?
प्लस माइनस ओमेगा ए इज द मैक्सिमम वेलोसिटी। तो इसके बाद का लेक्चर मैं सोच रहा हूँ सेकंड लेक्चर में कंटिन्यू किया जाए, क्योंकि आज के लिए इतना काफी है। तो मिलते हैं दोस्तों अगले बुधवार शाम 7:30 बजे, नहीं अगला वीडियो इसके बाद ही अपलोड करना है, सॉरी। यहां तक बातें क्लियर हुई? वेलोसिटी वर्सेस एक्स ग्राफ जो है वो ऐसा है, बन रहा है ऐसा, हम क्या करें, वेलोसिटी स्क्वायर स्क्वायर पे है। वेलोसिटी कहां मैक्सिमम है? मीन पे। एक्सेलरेशन कहां मैक्सिमम है? एक्सट्रीम पे। सब बातें क्लियर है? मिटा दूं। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे की डू यू लव मी। नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे की एक्स वर्सेस टाइम, वेलोसिटी वर्सेस टाइम, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम की क्या इक्वेशन है एसएचएम की। अभी देखो टाइम से कुछ रिलेशन नहीं है, अभी तक आपने जो सीखा सिर्फ ये बातें सीखी। देखो जरा जल्दी जल्दी, आपने सीखा एफ इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स और इसका ग्राफ देखा, ए इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, जहां की आपने बोला ओमेगा होता है या ओमेगा स्क्वायर होता है के बटे एम। फिर आपने बोला ए की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी जब एक्स मैक्सिमम हो, यानी प्लस माइनस ओमेगा स्क्वायर है, और ये कहां पे होगा जब एक्स की वैल्यू प्लस माइनस ए हो, यानी एक्सट्रीम पे। ए की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, आपने बोला जीरो होगी। कब होगा जब एक्स की वैल्यू जीरो हो, यानी मीन पोजीशन पे। इसके बाद आपने आज वेलोसिटी का एक्सप्रेशन देखा प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यही तो देखा। इसका ग्राफ आपने देखा एक इलिप्स बन के आता है। फिर आपने देखा कि वेलोसिटी की मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, भैया मैक्सिमम तब होगा जब एक्स जीरो हो जाए, यानी प्लस माइनस ए ओमेगा, जब एक्स जीरो है यानी कि मीन पोजीशन। फिर आपने देखा वेलोसिटी की मिनिमम वैल्यू कब होगी, जब एक्स की वैल्यू मैक्सिमम हो जाए प्लस ए या माइनस ए, यानी एक्सट्रीम पोजीशन पे। पूरा मैंने पोस्टमार्टम कर दिया और वेलोसिटी कितनी आएगी प्लस माइनस ए पे, जीरो। इतनी ही बातें तो की आज हमने, यही तो है सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो अगले लेक्चर देखेंगे कि एक्स वर्सेस टाइम की क्या इक्वेशन है, वी वर्सेस टाइम की, ए वर्सेस टाइम। आज के लेक्चर से आपको याद रखना है ये बात, जब बात आपको याद रखनी है a is equals to minus omega square x, यहीं से मैं लेक्चर को उठाऊंगा, और हो सके तो प्यारे बच्चों इसको भी याद रखना। तो चलते हैं बच्चों, पढ़ाई करते रहेंगे, ऑल द वेरी बेस्ट।